बिग बॉस के घर में फिनाले को लेकर निशांत भट्ट कर रहे हैं डिस्कशन, वो भी देवोलीना भट्टाचार्जी से। आखिर में क्या डिस्कशन चल रही है, क्या कुछ बातें चल रही है इन दोनों के बीच में, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, जैसे कि फिनाले काफी ज्यादा करीब आ रहा है और घर वालों को भी ये चीज जो है वो महसूस हो रही है कहीं ना कहीं। अब फिनाले को लेकर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं घर वाले, जहां पर निशांत भट्ट जो है वो सबके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो जो है देवोलीना से बातचीत करते हैं। दरअसल देवोलीना का एक्सपीरियंस रहा है बिग बॉस का, तो उनसे बातचीत करते हुए कहते हैं कि आपकी क्या राय है मनी बैग को लेकर। जी हाँ, ये मनी बैग जो कि हर बार हर सीजन में होता है और कोई ना कोई कंटेस्टेंट जो है वो मनी बैग लेकर चले जाता है। तो यहाँ पर जो है निशांत भट्ट देवोलीना से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, इसको लेकर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। वाले यहाँ पर देवोलीना भी कहती है कि मुझे तो लगता है कि मनी बैग उठा के आ जाना चाहिए, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं पैसा मैटर करता है और साथ ही में कहीं ना कहीं विनर को तो थोड़े टाइम तक याद किया जाता है, फिर तो भूल जाता है। ऐसा देवोलीना कहती है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हर बार विनर को जो है याद किया जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला हो, गौहर खान हो, हीना खान हो, या फिर यू नो रुबीना दिलैक हो, हर कोई विनर को याद करता है। लेकिन देवोलीना का ऐसा कहना है कि विनर को तो थोड़े समय तक ही याद किया जाता है, थोड़े समय के लिए ही यू नो ट्रॉफी का क्रेज रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मनी बैग उठा के चल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देवोलीना ये सारी चीजें कहती हैं निशांत भट्ट से। जानना चाहूंगे आपकी रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।